हेलो नमस्कार सभी को, मैं विद्याशी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी एग्जाम्स के बारे में। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी कोई कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों को ऐसा होता है कि थंबनेल देख लिया, ठीक है, मन में कुछ कहानी बना ली और कमेंट करने से मतलब है। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी कोई कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारों की आदत है कि थंबनेल देख के या आधी वीडियो देख के अधूरी देख के कमेंट करने लग जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें कि जो हम बात करने वाले हैं वो किस हद तक सही है, ठीक है, और इसके बारे में सभी टीचर्स को बोलना भी चाहिए और वीडियो भी बनाने चाहिए। आप देखिए, इस ग्रुप सी का जो एग्जाम है आपका, वो कोर्ट में अटका हुआ है। जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आता कोर्ट का, तब तक आपके बाकी के एग्जाम नहीं होंगे। दूसरी तरफ से इन्होंने ग्रुप डी की एग्जाम डेट दे दी है कि 21 बाईस को एग्जाम लेने वाले हैं। इसका भी कन्फर्म नहीं है कि लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है, ठीक है। हालांकि एग्जाम हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो एग्जाम पिछले कई सालों से नहीं हो रहे उनके बिना ग्रुप डी लें तो ये गलत बात है। इन्होंने ग्रुप सी का एग्जाम लिया सिर्फ दो कैटेगरी का, ग्रुप 56 और 57 का। उसके खिलाफ आपका कोर्ट केस हो गया कि आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, पहले वेरिफिकेशन कीजिए। इसमें गलती इनकी भी है, क्योंकि कोई काम इन्होंने सबसे पहले तो ये ढंग से करते नहीं है। ऐसी कमियां छोड़ते ही क्यों है कि कोर्ट केस हो सेंटर में, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे सोशियो इकोनॉमी का कोई लोचा नहीं है। अगर है तो वहाँ पे वेरिफिकेशन का कोई लोचा नहीं, कि सारी चीजें बाद में वेरीफाई होती हैं और वो आराम से कर ली जाती हैं। हरियाणा में सोशियो इकोनॉमी का पंगा डालकर इन्होंने खुद ही, क्योंकि बहुत सारे हैं जो फेक लेकर बैठे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने आप विड्रॉ कर लिए तो ठीक है, नहीं करे तो चल जाएगा काम, ऐसे ही आगे होगा तो देखा जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर ग्रुप डी का इन्होंने एग्जाम ले लिया, क्या ग्रुप सी के बच्चे जो पहले तैयारी करे थे वो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, जिसकी वजह से ग्रुप सी का एग्जाम, अब देखो ग्रुप डी होता किन का है कि जो ग्रुप सी में किसी कारण रह गए या जिनकी बेहतर तैयारी नहीं है वो ग्रुप डी में आ जाए, या फिर जिनकी क्वालिफिकेशन कम है। अब उनकी वजह से जो क्वालिफिकेशन जिनकी कम है या ग्रुप डी की नौकरी लेना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब ग्रुप सी का जब तक वर्डिक्ट नहीं आता बच्चे देंगे? भाई बिल्कुल देंगे, जो टॉप में है वो भी, क्योंकि उनको नौकरी लेना है कि कैसे भी कैसे हमें नौकरी मिल जाए पहले, बाद में देखी जाएगी जो होना है। अब क्या होगा, ग्रुप डी का एग्जाम अगर इन्होंने ले लिया, ग्रुप सी का रिजल्ट डिक्लेयर करे बिना, तो क्या होगा, वही बच्चे पेपर देंगे, वही सेलेक्ट होंगे, और सेलेक्ट होकर फिर ग्रुप सी का यदि रिजल्ट निकालते हो तो छोड़ेंगे और बाकी वैकेंसी खाली। नुकसान किसका हुआ, जिसकी वजह से बाकी पेपर नहीं दे पाए बच्चे, नुकसान हुआ उनका, उनकी वजह से जिनका सपना था कोई ना कोई नौकरी हमें मिल जाए, हमारा घर बार चल जाए, जिनकी फाइनेंशियल कमी है, नुकसान होगा तो उनका होगा। तो मैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम मत लो, बिल्कुल एग्जाम होने चाहिए, और हरियाणा में अब तक हाल देख लो आप क्या हो रहा है, हरियाणा की सरकार की वजह से अब तक कोई एग्जाम इनका ढंग से नहीं हुआ है, सालों लग जाते हैं इनको भर्तियां करने में, क्यों लगता है मेरे को नहीं पता। जब इलेक्शन आते हैं नज़दीक तब इनको सब कुछ याद आ जाता है कि जनता के लिए हमें ये करना है, बच्चों को नौकरियां देनी है, तब इनको सब कुछ याद आ जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ग्रुप डी का एग्जाम तब तक, ज्यादा डिले की मैं बात नहीं कर रहा, जब तक नहीं होना चाहिए जब तक ग्रुप सी का कुछ ना हो जाए, क्योंकि इसमें लॉस कहीं ना कहीं बच्चों का ही है। तो जल्दी से जल्दी मेरी सरकार से या टीचरों से रिक्वेस्ट है कि इस बारे में कुछ ना कुछ बोलें कि ग्रुप सी का जल्द से जल्द, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी करके रिजल्ट निकाला जाए। अगर क्या आप सोचते हो कि कैंसिल हो जाएगा तो क्या आपका पेपर हो जाएगा? ठीक है, कुछ बच्चों का ये है कि ग्रुप सी का कैंसिल होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, भाई बिल्कुल भी भूल जाओ, फिर तो पेपर होगा, क्योंकि सरकार क्या करेगी, ग्रुप डी की भर्ती करवा के ग्रुप सी की सारी भर्तियां विड्रॉ कर लेगी और अगले सीईटी में डाल देगी। इनका क्या है, जैसे पिछली भर्तियां करी थी, पिछली भर्तियों में भी इन्होंने ऐसे ही किया था, फिर बोला कौन था, कोई नहीं बोला। ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हुआ, कोई बोला? फीस रिफंड आनी थी, एक दो दिन सबने हाँ उल्ला करा, उसके बाद कोई बोला? कुछ नहीं होता यहाँ पर ऐसा। अगर आप चाहते हो कि ग्रुप सी का क्वालिफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से पेपर हो जाएगा, तब इनसे एक पेपर इतने सालों से नहीं लिया गया तो ये 3-4 महीने में कैसे ले लेंगे? भूल जाना कि आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, जिनकी ओवर एज हो गई है वो तो गए गए, और जो हरियाणा में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल ही गए। तो इस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि सभी टीचरों को जो बड़े लेवल पर हैं उनको कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, जिससे भी हो सके उनसे बात करें कि ग्रुप सी का जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कराए, इतनी हियरिंग लंबी ना दें। इनका काम ही है कि हम कैसे ना कैसे किसी चीज़ों को डिले कराएं, और जब इलेक्शन आए हम क्या करेंगे, क्या पता अगली भर्ती ले या ना ले, क्या पता बाकी के ग्रुप के एग्जाम। अब देखो कितने ग्रुप के एग्जाम्स बचे हैं, क्या आपको लगता है कि सारे ले लेंगे इलेक्शन से पहले? जब इनसे दो ग्रुप के पेपर ढंग से नहीं हुआ तो बाकी ग्रुप के पेपर ये ढंग से कैसे ले लेंगे? मेरे को तो नहीं लगता कि ये लेंगे ऐसा। ठीक है, अगर भगवान भी धरती पे आ जाएगी इनको बोले तब भी ऐसा नहीं करने वाले, इतने सारे ग्रुप का पेपर ले लेंगे, रिजल्ट निकाल देंगे। जब इनसे वेरिफिकेशन ही नहीं हुई अब तक, तो इतने सारे ग्रुपों का पेपर निकाल के, रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग कैसे दे देंगे? मेरे को तो नहीं लगता भाई। बाकी जो होगा वो आपके सामने होगा, खुद ही देख लेना सच्चाई क्या होने वाली और क्या हाल होने वाला है।
नुकसान यहाँ पर बच्चों का है, हर लेवल पर बच्चों का, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। टीचर का काम चल रहा है ग्रुप सी नहीं तो ग्रुप डी सही, वो तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नुकसान यहाँ पर बच्चों का है, तो सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने टीचर्स को बोले कि ग्रुप सी का पहले होना चाहिए, कि चाहे कोई भी फैसला है, ठीक है, सबसे पहले ग्रुप सी का होना चाहिए, उसके बिना ग्रुप डी का नहीं होना चाहिए। तो नुकसान बच्चों का होगा, जिनका ग्रुप सी नहीं हुआ उनका बड़ा नुकसान है, ये बच्चे ज्वाइन करेंगे बाद में छोड़ेंगे, उसकी वजह से जो बच्चे रहेंगे उनका बड़ा नुकसान है। तो यही मेरा मोटिव था आज की वीडियो बनाने का, कि इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, तो सब लगे हैं कि भूल गए कि ग्रुप सी का क्या हाल है, ग्रुप डी आएगा 21-22 को होने वाला, लगे रहो तैयारी करते रहो। भाई बुरा हाल ये कर देगी सरकार, और करेगी बिल्कुल, ठीक है, इतने सारे ग्रुप का पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो यही मेरे को वीडियो बनानी थी, अगर आपको लगता है कि वीडियो में कहीं ना कहीं हाँ ठीक बनाई है तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं ये नहीं बोला कि मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं बात ठीक है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि इस मामले में कुछ ना कुछ हो सके। थैंक यू।